नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। राजधानी पटना के बाकरगंज में हुए 14 करोड़ सोना लूट मामले में पटना पुलिस को सोमवार को एक बड़ी सफलता मिली है। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए कहा कि इस मामले में 4 अपराधियों की संलिप्तता थी। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी का कहना है कि इस लूटकांड की साजिश जहानाबाद में रची गई थी। वहीं एसएसपी ने बताया कि लूटपाट में संलिप्त अपराधी घूमने फिरने के लिए फॉर्चूनर गाड़ी का उपयोग किया करते थे, जिस पर भारत सरकार का बोर्ड भी लगा था। पटना के ही कोतवाली थाना क्षेत्र से यह गाड़ी चोरी चली गई थी। पुलिस ने अपराधियों के पास से चोरी के 2 फोर व्हीलर और 5 बाइक भी बरामद किए हैं। पुलिस ने अपराधियों इनके पास से 3 पिस्टल भी जब्त की है। एसएसपी के मुताबिक घटना के लाइनर को छोड़कर सभी अपराधियों का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। पीछे हट जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, हम खाली शॉट बना रहे हैं बस। ए धीरेंद्र, बीच में हाथ क्या डालता है? अरे भैया भैया, जानकारी आलमगंज में एक हाईलाइट के जो किन्नर है उनकी हत्या हुई थी, उसका भी उद्भेदन हो गया है। तो पहला है जो बाकरगंज की घटना हुई थी, आप लोग सभी अवगत हैं कि पिछले शुक्रवार को तकरीबन 2 बजे 4 हथियारबंद अपराध कर्मी एसएस ज्वेलर्स वहां पे घुस के उन लोगों ने लूट किया था, गहनों का और कैश का लूट किया था, जिसमें एक अपराध कर्मी साधु यादव जो कि जहानाबाद का रहने वाला है उसी दिन पकड़ा गया था। इस लूट क्रम में टोटल 3 बैग निकले थे जो कि सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है। 2 पिट्ठू बैग थे जिसमें आपका सारी ज्वेलरी थी और एक झोला था जिसमें कैश था। पहला पिट्ठू बैग उसी दिन रिकवर हो गया था और उसी दिन ही जो दुकान के मालिक हैं संजीव जी उनको हैंडओवर कर दिया गया था। जो दूसरा पिट्ठू बैग था वो कंप्लीट उसका रिकवरी हो गया है, जिसमें तकरीबन 7 kg के अराउंड ज्वेलरी और सोना था। इसके अतिरिक्त 4,36,000 रुपया कैश में रिकवर हुआ है जो कि झोला में है। कुछ कैश तकरीबन जो ये संख्या अमाउंट बता रहे हैं 2.5 लाख का कि वो इन लोगों ने अपना खर्च कर लिया था। इस कांड में टोटल 4 लोग अंदर गए थे जिसमें चारों की गिरफ्तारी हो गई है। एक की गिरफ्तारी जिसमें मैंने आपको बताया है साधु यादव की ऑन द स्पॉट हुई थी। उसके अलावा उसके टोटल 3 और एसोसिएट्स हैं, जिसमें एक का नाम है आकाश ओझा उर्फ सन्नी कुमार जो कि सिरपतपुर पटना इसका रहने वाला है। एक अपराधकर्मी का नाम सोनू कुमार पेसर सुरेंद्र प्रसाद जो कि जगनपुरा का रहने वाला है। एक अपराधकर्मी राजू केवट उर्फ सोनू जो कि मल्हाचक कुटिया जहानाबाद नगर थाना का रहने वाला है। इस पूरे अपराध का जो षड्यंत्र था, जो एसएस ज्वेलर्स के मालिक हैं संजीव जी उनके यहाँ पे उनके एक परिचित थे जो कि उनके यहाँ से आके सोना लेते थे। वो होलसेलर का काम करते हैं जहानाबाद में, राजलक्ष्मी ज्वेलर्स करके उनकी छोटी सी सुनार शॉप है मेन रोड जहानाबाद पे। राजेंद्र प्रसाद उनका नाम है और रंजीत प्रसाद का जो बेटा है नितेश कुमार तो अपने पिता के साथ इस यहाँ पे आता था बाकरगंज में एसएस ज्वेलर्स के पास आता था और यहीं से वो लोग अपना होलसेल वाला जितना भी उनका ऑर्नामेंट्स था और सोना लेके जाता था। क्योंकि ये जहानाबाद का रहने वाला था तो स्मैक पीने के क्रम में और गांजा पीने के क्रम में जो जहानाबाद के बाकी 2 अपराधकर्मी थे राजेश राम और राजू केवट करके उनके साथ ये पहले से परिचित था, एक साथ ही लोग स्मैक और गांजा पीते थे। उसी क्रम में उन्होंने इसको बोला कि तुम सुनार हो, हम लोगों को कोई अच्छा काम दो। इसी में ही इसने फिर लाइनिंग किया क्योंकि एसएस ज्वेलर्स में इसके पिताजी का आना जाना था हमेशा, वो जो भी होलसेलर की अपना ज्वेलरी लेते थे यहीं से लेते थे और ये दुकान से वाकिफ भी था क्योंकि वो दुकान फर्स्ट फ्लोर थी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।